नमस्कार दोस्तों, वर्चस इंफ्रा प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा री इन्फोर्समेंट के बारे में। जैसे कि अपने साइट पे अवेलेबिलिटी होती है 10 mm, 12 mm, 16, 20, 25, 32 तक की। कभी क्या होता है कि 10 mm का सरिया ख़त्म हो गया, 12 mm का मुझे लगाना है वहाँ पे, 12 ख़त्म हो गया तो 10 का लगाना है, वो स्पेसिंग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अपना टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिंग जैसे आज अपने पास 10 mm का स्टील अवेलेबल है और 12 mm का अवेलेबिलिटी नहीं है और अपने को लगाना है वहाँ पे, काम रुका हुआ है, जब तक स्टील आएगा तब तक हम लगा नहीं सकते। उस कंडीशन में एक चीज़ हम और कर सकते हैं, स्पेसिंग को कम करके लगाएंगे। तो वो स्पेसिंग कम कैसे करेंगे, आज उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों से। उसका एक फॉर्मूला होता है D1² / D2² S1/S2। यहाँ पे D1 हो गया 10 mm, D2 हो गया 12 mm, S1 आप सभी जैसे जानते हैं स्पेसिंग। यहाँ पे S1 हमारे पास है नहीं, S2 की स्पेसिंग मान लेते हैं 200 mm पे हमें स्टील को लगाना है। फॉर्मूला से आराम से इजी तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा, आप सभी को बताते हैं। D1 10 mm, D2 12 mm, S1 है नहीं हमारे पास, S2 है 200 mm। तो हम करेंगे S1 equal to 10/12² 200, ये तो है नहीं 200, 10² 100 × 200 / 144। तो अपना ये स्पेसिंग आ गया 10 mm की 138.8, यानी कि 140 mm की स्पेसिंग पे अपन ये 10 mm का स्टील फिक्स कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ 12 mm। तो दोस्तों ये रहा अपना छोटा सा फॉर्मूला है जो अपने साइड पे यूज़ कर सकते हैं हम। वेट के हिसाब से भी निकलता है लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वेट तो अपने को क्या है बिल में देना, वेट के हिसाब से ही बिल देना पड़ता है अपने को। इस हिसाब से निकालेंगे तो अपना 10 mm, 12 mm की जगह 10 mm लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और भी वीडियो आपको कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमारे जाके बताएं, उस प्रकार के वीडियो हम आगे के वीडियो में आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।